विकास हुआ करते थे, उन अपराधियों को छोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। तो आपने सुना प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकलेंगे फिर रुद्राक्ष सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष सेंटर भी देखा है आपने? हाँ देखा है, जब बनते हुए भी देखा है, बनने के बाद भी देखा है। अच्छा, तो वो भी बनवाया है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? जी, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया मोमो वाले। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग लड़ रहे थे आपस में, एक ने कहा कि एक अकेला वहाँ जिता रहा है, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा एक अकेला नहीं, 140 करोड़ देश की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता साथ में है, वो अकेले नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोग जो कहते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे, आएंगे तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे, वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये सब अनलगल बातें कर रहे हैं। एक सा गुफा छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जैसे बीजेपी पार्टी में एक नायक है, उनमें अनेक नायक हैं, तो आप समझ सकती हैं कि घर में जब अनेक नायक होंगे तो देश का विकास होगा क्या? वो घर का क्या होगा? तहस नहस ही हो जाएगा। वही कहा गया है ना कि एक ही उल्लू काफी है, लेकिन हजार उल्लू हो जाएंगे तो घर का ही तहस नहस कर देंगे। तो स्वार्थ का गठबंधन है। स्वार्थ का है, स्वार्थ का गठबंधन कह रहे हैं वो। हाँ ठीक है, मैं जरा यहाँ, अरे काले कोट वाले सर को बुला दीजिए जरा, यहाँ पर हाँ कचहरी भी है, लोकतंत्र और आरक्षण आप ही बोलेंगे बस। अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए मोदी जी ने नया संसद भवन बनाया, तो उन्होंने जब नए संसद भवन में गए, उसके बाद उन्होंने पुराने संसद को क्या नाम दिया? संविधान सदन। जिस पुराने संसद को उन्होंने संविधान सदन बन का नाम दिया, तो वो व्यक्ति संविधान कैसे खत्म कर सकता है? संविधान खत्म करने के जो जिम्मेदार हैं वो कांग्रेसी पुराने पापी जो देश में पाप करके चले गए, उस वो करके गए हैं। मोदी जी ने संविधान को बचाया है, और आरक्षण की बात करने वाले जो लोग हैं वो आरक्षण न एससी एसटी का न ओबीसी का 1% भी खत्म नहीं होगा, और सिर्फ उनका विरोध। आपको भरोसा है? भरोसा क्या, पूरा भरोसा है, भरोसा है मैडम, पूरा भरोसा है। देखिए मैं एक बार जरा काले कोट वाले भी आ गए, काले कोट वालों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। बताइए सर, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में वहाँ जुटे हुए थे। हम लोग अपने प्रधान, हम लोग अपने सांसद के समर्थन में, उन्होंने काशी में जो 10 सालों में विकास किया है उसके समर्थन में पूरा अधिवक्ता समाज एकत्रित है और उनका समर्थन कर रहा है। ये जो कह रहे हैं यहाँ के अधिवक्ता समाज भी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर भी जगह लगातार जो आता रहा, तो उस सब से भी आप जुड़े रहे, प्रधानमंत्री को भोले भक्त के रूप में? 100% भगवान मंत्री भोले भक्त हैं। आप बताइए, और आप बताओ, बोलो, अरे बोलो। अच्छा, भोले भक्त है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, भोले भक्त के रूप में देखते हैं, राम भक्त के रूप में देखते हैं? भोले भक्त भी उन्हीं के प्रधानमंत्री को भोले भक्त में हम लोग देखने चाहते हैं, इसमें यहाँ भी देख भी रहे हैं, बिना उनके भोलेनाथ का समझ लिए, भोलेनाथ के ही अवतार हैं प्रधानमंत्री जी हमारे, जो देश के हैं, राम उनके गुरु और शंकर उनके गुरु और उनके गुरु, दोनों गुरु एक ही है। अच्छा, दोनों गुरु एक ही हैं, वो कह रहे हैं भोले भक्त भी हैं, राम भोले में कोई अंतर नहीं है, दोनों हमारे हैं, दोनों मोदी के हैं। अच्छा, सनातन, जो बात एक महिला मेरे पास आई और वो रोने लग गई, उन्होंने कहा कि देखिए कैसे सनातन के लिए क्या कुछ किया है प्रधानमंत्री ने, आप सहमत है? बहुत कुछ किया है सनातन, उन्हें क्या 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 नहीं किया सनातन के लिए, कम से कम लोगों के अंदर हिंदुत्व इसी वजह से लोगों के अंदर से आ गया है, नहीं तो लोग हिंदुत्व को समझते ही नहीं थे कुछ। कोई अपने को हिंदू कहानी में शर्माता था, डरता था, सत टोपिया लगा के खाली वो इफ्तार करते थे, सब सब टोपी लगा के खाली। अब देखिए ये जो बात कह रहे हैं, सनातन के जीर्णोद्धार की बात प्रधानमंत्री के लिए हमेशा कही जाती है और लोगों के बीच से जाती है। एक बार सृष्टि के पास जा रहे हैं, सृष्टि से पूछ लेते हैं, नामांकन की जो पूरी प्रक्रिया है वो वहां पर संपन्न हुई है। सृष्टि जरा बताइए, जानकारी दीजिए दर्शकों को। आप बिल्कुल सुचारिता, देखिए अंदर से तस्वीरें जो आई वो आपने भी दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, गाड़ियां लग चुकी हैं, हालांकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे अब से कुछ ही देर में और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि जनता का पूरा हुजूम यहां पर लग चुका है। ये छोटे छोटे बच्चे, एक बार उमेश आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जो यहां छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को देखने के लिए हम आए, एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग किसे किसे देखने के लिए आए? मोदी जी को। मोदी जी को, मोदी जी के बारे में जानते हैं? हाँ। क्या जानते हैं?
वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने क्या क्या काम किया है कुछ पता है? बहुत सब काम किए हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा राजनीति के बारे में जाहिर है इनको नहीं पता होगा, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचे हैं सास में कि वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। एक बार उमेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, नहीं तो लोगों से बात करने की कोशिश की जाती, लेकिन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री निकलेंगे। और जो प्यार है, जैसा आप लगातार लोगों से बात कर रही थी, लोग बता रहे थे कि 10 साल में जो परिवर्तन लोगों ने यहाँ महसूस किया वो शायद इससे पहले कभी ना हुआ है और ना हो सकता है। इस तरीके की लोगों की सोच है और विचारधारा है, और ये तीसरे नामांकन में लोग इस तरीके की बातें यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने एक महिला से भी बात की थी जो भावुक हो गई। ऐसे तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, घंटों का सफर तय करते हैं, आते हैं और उसके बाद एक झलक पाने के लिए घंटों वो धूप में खड़े रहते हैं। वही नजारा हमने इस लोकसभा के चुनाव में भी लगभग हर जगह देखा है कि किस तरीके से लोग भावनाओं के साथ में नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं। और काशी की बात अलग हो जाती है क्योंकि यहां से वो सांसद हैं और अपना पारिवारिक एक जो नाता रहा है, प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि ये पारिवारिक नाता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी की जनता के साथ में। इसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर बैठक करेंगे, वहां का भी हम रुख करेंगे। अनामिका से हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार वहां किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि यहां से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री वो बैठक करने वाले हैं, उसके बाद रवाना होंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम आपको लगातार कवरेज, एक एक तस्वीर दिखा रही है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। लेते हुए किस तरह भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए मैं वहां यहां लोगों से जरा बात करती हूं। प्रधानमंत्री जी नामांकन कर रहे हैं अंदर। मैडम पूरे देश में लोग एमपी चुन रहे हैं और हम लोग पीएम चुन करके भेजते हैं यहां से। वाह क्या बात, की मानता है। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि प्रधानमंत्री हम चुन करके, प्रधानमंत्री हम चुनकर भेजते हैं, इसके लिए तो सभी को गर्व होता है और ये काशी वासियों के लिए खास बात है। पुण्य है कि यहाँ से वो लड़ रहे हैं। भारत बनारस का कितना विकास हुआ है, इसके पहले बनारस में चलने लायक नहीं था, हम लोग तो यहीं रहे हैं तब, तो हम लोग में तो 5-7 साल में बहुत अंतर आया, बहुत अंतर, बनारस पहचान में नहीं आता है, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। एक प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो वहाँ से राम का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर भोले का आशीर्वाद, यहाँ पे भोले का आशीर्वाद उनको मिला है और यहाँ से हम लोग पीएम चुन के भेजेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं। और 2014 के पहले बनारस की नक्शा एक अलग ही थी, यहाँ कोई विकास नहीं था, आने के बाद 10 साल में पुनर्जीवित कर दिया काशी को हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कोई नेता आज? कोई नेता, कोई नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर में? टक्कर में हम चंडीगढ़ से अभी आए, केवल नामांकन देखने के लिए चंडीगढ़ से आए हैं यहाँ पे, लिए लड़ रहे हैं, हारने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा। जीतने के लिए थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं। हारने के लिए कौन लड़ रहे हैं? हारने के लिए लड़ ही रहे हैं कि उन्हें वोट के दे, प्रधानमंत्री कोई वोट देने वाला है कि ना, 5 आदमी ना मिलेंगे। आपको एक मजेदार बात बताएं कि अभी मीडिया वालों ने ही यहाँ के जो विपक्षी प्रत्याशी हैं उनसे सवाल किया गया कि आपको 100 बूथ अध्यक्षों के नाम पता है या 100 कार्यकर्ताओं के नाम आपको पता है, तो यहीं के जो आज कद्दावर नेता, अपने को माने जाने वाले कद्दावर नेता जो मोदी जी के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास 100 बूथ अध्यक्ष भी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और रह गई बात जो है काशी के विकास की, तो काशी का जो विकास हुआ है वो चातुर्दिक विकास हुआ है और चारों दिशाओं में इनकी जो है विकास की गूंज घूम रही, यहां नहीं पूरे विश्व में। और एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा कि मैम, जब काशी में आज के 20 साल पहले आप काशी के गलियों में जब आप जाते थे तो काशी की गलियों में गंदगियों का अंबार भरा रहता था, लेकिन आज जहां पे काशी में जैसे कहा जाता है कि भगवान कड़कड़ में है शंकर, वैसे आज जो है काशी की गलियों में कड़कड़ में शंकर नहीं, संगमरमर लगा हुआ। ये काशी का चातुर्दिक विकास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा ये बताइए, मैंने वो सवाल फिर से, हाँ आप ही के पास आ रही है, बताइए जरा, मैंने पूछा एक सवाल कि भाई नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर देने वाला नेता कोई नहीं है मैडम, इसलिए नहीं है कि उन्होंने धारा 370 CA पे, समान नागरिक संहिता पे, आने वाली जनसंख्या कानून पे देश का विरोध करेंगे, उनके सांसद चाहे जितने अच्छे हो जाएं, लेकिन जब ये कानून आएगा तो देश के विरुद्ध खड़ा होंगे। ये बताइए 2024 में अगर चुनकर आते हैं प्रधानमंत्री तो तब क्या उनसे अपेक्षा करेंगे? उनसे बनेगा सुरक्षित देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आवे। अच्छा। हाँ
और एक न्यूज और चला दीजिए कि जो कांग्रेस के पदस्थ अध्यक्ष हैं यहाँ पे अजय राय जी, उनका जमानत जब्त होने जा रहा है। ये भविष्यवाणी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जून को देखेंगे। बताइए क्या 24 में क्या उम्मीद करते हैं अगर वो आते हैं? हमारा ये उम्मीद है कि जनसंख्या कानून आना चाहिए और उन्होंने जो विकास किया है वो तो लगातार ही होगा, और साथ में जो है कि लोगों को अपना प्रोत्साहन कर रहे हैं कि अपना बिजनेस स्वयं करें, लोगों को रोजगार दें। तो मोदी जी का ये नया फंडा है और हम लोग उनके फॉलो करेंगे और उनको 400 पार हम लोग सीट जिताएंगे। तो आप तो बनारस से हैं जी, बाकी 400 कैसे आएंगे? अरे हमारी आवाज जो है 400 लोगों ने करोड़ों लोगों के पास जा रहा है आपके माध्यम से। तो मैं एक बार जरा पूछती हूँ, ये बताइए आप कहाँ से? बनारस से ही है। मोदी जी को देखने? जी जी। पहले? जी जी। कितनी बार आए? कई बार आए। देखते रहे उन्हें? मोदी जी शपथ लेंगे तो भाई साहब मोमो फ्री खिलाएंगे। हम फ्री मोमो खिलाएंगे। मोमो की दुकान चला? जी जी जी, 12 किलोमीटर साइकिल चला कर आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ देखने के लिए खाली? क्या बात है, ये दीवानगी है मोदी जी की। ये आपके लिए ऐसे ही बोल दिए या सच में खिलाने वाले? सही में योगी जी भी जीते थे तब भी खिलाए थे, अब मोदी जी जीतेंगे फिर खिलाएंगे, ये हरदम चलता रहेगा भाजपा के लिए। आप ये जरा देख लीजिए, वो 12 किलोमीटर लंबी दूरी से साइकिल चलाकर आए और कह रहे हैं योगी जी जीते थे तब भी मैंने फ्री मोमोज खिलाए थे, अब फिर से खिलाऊंगा। ये जो एक कनेक्ट है इसको कैसे बना पाएंगे, ये जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा? जी जी देखा। सामने रहते हैं वो तो काश सामने से देखते हैं। ठीक ठीक, शर्मा रहे हैं बोलने में? हम तो चंडीगढ़ से आए हुए। आपने बताया के लिए? पहली बार जब 2014 में आए थे तभी हमने देखा था, 2014 में भी उनका देखा था उनको बहुत नजदीक से, 2017 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था, 2022 में भी देखा था जब योगी जी का चुनाव था, और अभी भी देख रहा हूँ मोदी जी को। राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जननायक हैं, महानायक हैं, मोदी जी से ही भारत का भविष्य है। मोदी सुनिए आप, हम मोदी जी अपना चुनाव नहीं जीतने आए हैं, हम अपने भविष्य के लिए उनको जिताने। तो सोचिए यहाँ पर नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नामांकन का दिन और नामांकन की तस्वीरें आपके सामने लगातार चल रही है, और काशी के लोगों का जो उनके लिए जुड़ाव है वो भी आपको सुनवा रही हूँ। अनामिका के पास सीधे जा रहे हैं, अनामिका के पास कुछ लोग है। अनामिका सुचरिता, मैं इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल बाहर खड़ी हुई और यहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही, यहाँ तक कि जो कार्यकर्ता आए हैं वो भी यहाँ पर बाहर इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जिन कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को संबोधित करना है वो भी यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, सीधे उनकी चेकिंग हो रही है और वो इस गेट के भीतर जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं इस जगह पर, इसलिए अब किसी को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। कार्यकर्ता कुछ देर पहले यहाँ पर जरूर इकट्ठे थे, लेकिन प्रॉपर उनका आईडी कार्ड चेक करके, उसके बाद उनसे बातचीत करके, उनका प्रूफ लेके फिर उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा था। और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे वो भी यहां पर मौजूद होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स, यूपी गवर्नमेंट के भी कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्र सरकार के भी मिनिस्टर्स इस सभा में मौजूद रहेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करके आगे आने वाले चुनाव को लेकर, आगे आने वाले मतदान को लेकर कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कैसे उन्हें और ज्यादा बूथों को मजबूत करना है, कैसे जाकर जनता तक सरकार के कामों को पहुंचाना है। अब ये जो कार्यक्रम है 30 से 35 मिनट का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे दूसरी जगह पर चुनावी रैली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम यहां से झारखंड का है। सुचरिता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, जहां पर लोग उनके साथ हैं कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर। क्या कह रहे हैं सुचरिता लोग? तो आपने सुना प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, आपको बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से निकलेंगे फिर रुद्राक्ष सेंटर जाएंगे। रुद्राक्ष सेंटर भी देखा है आपने? हाँ देखा है, जब बनते हुए भी देखा है, बनने के बाद भी देखा है। अच्छा, तो वो भी बनवाया है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? जी, कार्यकाल में बनाया मोमो वाले। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग लड़ रहे थे आपस में, एक ने कहा कि एक अकेला वहाँ जिता रहा है, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा एक अकेला नहीं, 140 करोड़ देश की जनता चुनाव लड़ रही है मोदी जी के साथ, मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता साथ में है, वो अकेले नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बहुत से लोग जो कहते हैं, विपक्ष के नेता कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे आएंगे तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे, वो सब झूठे हैं, मक्कार हैं और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए ये सब अनलगल बातें कर रहे हैं, एक सा गुफा छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हमारे जैसे बीजेपी पार्टी में